नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल अश्व ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो लोग चाहते हैं बाल से वशीकरण कर किसी भी स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर अपने काम को निकलवाना या फिर अपने काबू में करना। दोस्तों, देखा जाता है कि आज के समय में भी लोग वशीकरण का सहारा लेते हैं और वशीकरण से अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि अपने खुद के बाल से भी आप घर बैठे किसी भी स्त्री का, पुरुष का, अपने प्यार का, पति का या पत्नी का, आप किसी का भी वशीकरण करने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, लेकिन अगर आप भी वशीकरण क्रिया को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा और हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि जो टोटका उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसका प्रयोग कर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप अगर किसी ऐसे इंसान का वशीकरण करना चाहते हैं जो आपकी बात तक सुनने को तैयार नहीं, आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं और आप उसका वशीकरण कर अपने काबू में करना चाहते हैं, आप अपने दुश्मन को सबक सिखाना चाहते हैं, अपने धोखेबाज पति को सबक सिखाना चाहते हैं, या फिर अगर आपका प्रेमी धोखा दे रहा है उसे आप रास्ते पर लाना चाहते हैं, तब आप खुद के बाल से वशीकरण टोटके का प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा? दोस्तों, वीरवार की रात को आपको इस टोटके को करना होगा। वीरवार की रात को आपको एकांत स्थान पर बैठ जाना है और दोस्तों अपने सिर के आपको तीन बाल तोड़ने होंगे। इसके साथ ही एक सफ़ेद कागज़ और सिंदूर, आपको थोड़ा ये सामान एकत्रित करना होगा और एक आपको सरसों के तेल का एक दिया लेना होगा। आपको करना क्या होगा? एकांत कमरे में आप जाकर बैठ जाएं। दोस्तों, बैठने के बाद आप अपने सामने सफ़ेद कागज़ पर अपने तीन बाल को रखें और इन तीन बालों के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सिंदूर डालना होगा। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना होगा? आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र होगा क्लीम क्लीम क्लीम। उसके बाद आपको उस इंसान का नाम लेना है जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। उसके बाद वशीकरणाय भवन्तु। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 101 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आप उस दिए को जला लीजिए जो आपने सरसों के तेल का दिया लिया है। कागज़ को फोल्ड करें और दोस्तों उस कागज़ को फोल्ड करने के बाद इस दिए के ऊपर से 7 बार उतारते हुए आपको उस इंसान का नाम लेना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, चाहे फिर वो इंसान कोई भी हो। दोस्तों, 7 बार उतारने के बाद आप इस कागज़ के ऊपर 3 बार फूंक मारें और इसे ले जाकर आप किसी सुनसान जगह पर खड्डा खोदकर दबा दें और दिए को उसके ऊपर रख दें, वापस घर लौट आए। दोस्तों, अपने खुद के बाल से आप किसी का भी वशीकरण बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही आपको किसी को बताना है कि आप वशीकरण टोटके का प्रयोग कर रहे हैं। बस आप घर आ जाइए और घर आते ही आप देखेंगे कि इस वशीकरण टोटके का प्रयोग आपको 10 मिनट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। जो इंसान आपकी बात तक सुनने को तैयार नहीं था, वही इंसान आपकी हर बात मानने लगेगा। जो इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह इंसान आपसे प्यार से बात करने लगेगा। खुद के बाल से करें किसी का भी वशीकरण, वह भी चंद मिनटों में। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।